नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसियन न्यूज में। जाने माने रेसलर और पूर्व WWE चैंपियन दिलीप सिंह राणा उर्फ दी ग्रेट खली शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जादवपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार करते नजर आए। प्रचार रैली के दौरान वह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे और उन्होंने हजला के लिए वोटों की अपील भी की। 7 फुट 1 इंच लंबे खली को उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी थी, जो हजरा ने भी पहनी थी, लेकिन वैस साइज की वजह से उन्हें पहन नहीं पाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसी टाइम रेसलर ने नारंगी रंग की कमीज पहन रखी थी, जिसमें बीजेपी की कमल छाप का निशान पड़ा हुआ था। यह जानकारी टेलीग्राफ की रिपोर्ट से बीजेपी द्वारा दी गई। जानकारी के मुताबिक खली गुरुवार को कोलकाता पहुंचे थे, जबकि चुनावी रैली के दौरान वह गर्मजोशी के साथ लोगों की तरफ देखते हुए हाथ हिला रहे थे। दरअसल यह रैली रानीकुटी से अलीपुर जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक निकाली गई थी, जिसके ठीक बाद हजरा ने आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। हजरा ने बात कही कि खली मेरे अच्छे दोस्त हैं, वह यहाँ मेरी दोस्ती के नाते आए हैं। बता दें कि हजरा के खिलाफ चुनावी मैदान में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की मिनी चक्रवर्ती और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विकास रंजन भट्टाचार्य हैं। पत्रकारों ने मौके पर जब खली से सवाल किया, तब उन्होंने हजरा को छोटा भाई बताया, कहा कि वह मेरा करीबी भाई है और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि वो मुझे भाई के नाते बुलाया है। हमारी दोस्ती किसी पार्टी से बड़ी नहीं है, वह जब भी मुझे बुलाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। 3 घंटे चली हजरा की चुनावी रैली में खली जीप पर नारंगी की फुल स्लीव टी शर्ट और भगवा टोपी में नजर आए। मौजूदा समय में वह अमेरिकी नागरिक हैं। पीएम की तारीफ करते उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने फिर से जीतना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह मेरे दोस्त अनुपम भी जीते। अभी के लिए इतना ही। मैं आशीष झा, SN News।